नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में। मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्जुन सिंह चैनी बागवानी महानिदेशक का स्वागत तवदेवलाल क्रिकेट स्टेडियम के गेट पर बागवानी टीम द्वारा किया गया, जिसका सदस्य मेरे को मनोनीत किया गया था बुके देकर उनको स्वागत करूं, वो मैंने किया। और महानिदेशक द्वारा जैसे ही एंट्री की स्टेडियम में, डीके सैनी जो पब्लिक हेल्थ टीम के कप्तान हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। मैंने डीके सैनी जी और डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जी, जो आज इस उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि हैं, उनको टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दी। और बागवानी विभाग द्वारा हरियाणा दिवस के शुभ अवसर पर ये उद्घाटन किया गया है, और उस उद्देश्य से किया गया है कि हरियाणा उन्नति करे। बागवानी विभाग जो किसानों को तो सहायता दे ही रहा है, साथ साथ विभाग और अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों को उनके स्वस्थ रहने के लिए ये कामना करता है। इसी उद्देश्य से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, और मेरे द्वारा मुख्य अतिथि को टूर्नामेंट के बारे में बताया गया। दोनों टीमों से, बाकी टीमों के जो कैप्टन हैं, उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जैसे अनुशासन में या खेलते रहे हैं उसी अनुशासन में खेलें और खेल भावना से खेलें। खेल में कई बार देखा है एग्रेशन हो जाता है, उस एग्रेशन को इतने सीमा तक लेके जाएं कि जी दूसरे प्लेयर को वो नुकसान ना करे या अपने आप को नुकसान ना करे, उसी खेल भावना से खेलें और अपने इस वीकेंड को एंजॉय करें, अपने तन मन को स्वस्थ रखें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने महानिदेशक उद्यान जी से अनुरोध करूँगा कि इस टूर्नामेंट का शुभारम्भ करें और आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। तो आप 10 टीमें हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ होंगे, इसको स्पोर्ट डिपार्टमेंट के साथ भी आप इसको टेकअप करें ताकि इसको स्टेट लेवल का भी एक टूर्नामेंट बनाए। अभी तो हम इंटर डिपार्टमेंट कर ही रहे हैं ताकि स्पोर्ट डिपार्टमेंट हमसे जुड़े और इस टूर्नामेंट को वहाँ लेके जाए, भी स्टेट लेवल पे जितने भी विभाग हैं, 50-52 विभाग हैं पूरे हरियाणा में, उनको भी ऑफर किया जाए और स्टेट लेवल पे फंक्शन हो कोई, और उस तरह का टूर्नामेंट रखा जाए, उससे जो एक खेल भावना जागती है। और खेल का मतलब ये कि डिसिप्लिन होना, अनुशासन में रहना और साथ साथ में फिटनेस रहना, ये उस चीज़ के आपके जो जीवन शैली को बदलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसा ये आई थिंक 2 साल पहले ये ये जो ना ये बहुत आगे जाएगा और आगे आने वाले समय में ये एक स्टेट लेवल का फंक्शन बनेगा। तो इस उम्मीद के साथ आप सभी को भाई तरफ से शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि सभी टीमें जो कोशिश करेंगी जीतने की हर एक का, लेकिन टीम तो एक दो ही ऊपर तक आएगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि आप सभी लोग खेल भावना से यहाँ जुड़े हुए हैं और सभी डिपार्टमेंट बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मेरी तरफ से सभी को बधाई और आप सभी का धन्यवाद। मुख्य अतिथि के उद्घाटन भाषण उपरांत जो इस टूर्नामेंट का उद्देश्य था, उसके उपलक्ष में विभाग की तरफ से एक मोमेंटो मुख्य अतिथि को मेरे द्वारा जो जिम्मेवारी टीम ने दी गई थी, उसके उपलक्ष में मैंने एक मोमेंटो उनको दिया और मुख्य अतिथि ने दोनों टीमों जो हरेडा और बागवानी की थी, साथ में अन्य उपस्थित कप्तान थे, उनके साथ ग्रुप फोटो खिंचवाया। उसके बाद उन्होंने पिच के बारे में जानकारी ली तथा फीता काट कर इस टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्जुन सिंह चैनी महानिदेशक बागवानी फीता काट कर उद्घाटन करते हुए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर।
फीता काटने के बाद मुख्य अतिथि ने दोनों टीमों का परिचय लिया। ये रेडा की टीम से कप्तान आजाद सिंह जो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं उनसे परिचय स्टार्ट किया और अन्य सदस्यों से परिचय लेते हुए। दोस्तों बागवानी विभाग इस उद्देश्य से कि हम हर कर्मचारी अधिकारी स्वस्थ रहें, अच्छा तन मन स्वस्थ रहेगा तो कार्यालय का कार्य है वो भी अच्छे तरीके से होगा, उस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। रेडा टीम के परिचय के बाद बागवानी टीम का परिचय प्रारंभ हुआ। मनोज कप्तान जो पीछे रह गए उसके बाद प्रत्येक टीम मेंबर से मुख्य अतिथि ने परिचय लिया। ये कपिल कुमार कुरुक्षेत्र से, हरि प्रदीप भोला, शुभम शर्मा, विपिन मेहता, द्विवेदी, नितिन, हेमंत, कपिल, अजय चौहान और ये डॉक्टर महेंद्र अपने बेटे के साथ जो कि हमारी टीम के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इसके बाद मुख्य अतिथि ने अंपायरों तथा स्कोरर से भी उनका परिचय लिया। उसके बाद टॉस टाइम रेडा टीम की तरफ से कप्तान आजाद सिंह ने सिक्का उछाला, टॉस जीता। और पहले बैटिंग का निर्णय लिया परंतु उसे पूर्व मुख्य अतिथि जो विधिवत रूप से इस मैच का उद्घाटन कर रहे हैं उनको बैटिंग कराई गई। पहला बॉल ये संगीत ने डाला, बड़े अच्छे तरीके से मुख्य अतिथि ने खेला। दूसरा बॉल मनोज बानूकर ने डाला, मुख्य अतिथि को बीट किया। इसके बाद जनगण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कलबंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रीय गान के बाद मैच स्टार्ट हुआ। हॉर्टिकल्चर टीम ने
बैटिंग स्टार्ट की और ये शुभम इस समय स्ट्राइक पर हैं और जीरो पे आउट होकर वापस आ रहे हैं। मुख्य अतिथि मैच का आनंद ले रहे हैं क्योंकि बाद में जीत हॉर्टिकल्चर विभाग ने हासिल की और मुख्य अतिथि तथा श्री विनीत चावला जी वीर राव सिंह से जो हैं जो जिनकी वजह से ये इस प्रकार के टूर्नामेंट हो रहे हैं उनकी देन है। हॉर्टिकल्चर विभाग तो एक हिस्सा है उसमें, वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मुख्य अतिथि के साथ मिलकर देंगे और वो अपना And for today's match, since both the teams have played very well, but since the winning team gets the man of the match, it goes to Kapil Kumar. Yeah. मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया गया जो उन्होंने इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और इतना टाइम देकर पूरा मैच देखा, पूरे इंटरेस्ट के साथ देखा, उनका धन्यवाद मेरे द्वारा किया गया। दोस्तों अगला मैच एनिमल हस्बेंड्री तथा वीर राव सिंह कॉरपोरेशन के बीच था। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए जाते हुए, मेरा इसके अलावा एक शो घूमना है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है कौशिक द ट्रैवलर, इस वीडियो को देखिए और मेरी दूसरी वीडियोस को भी देखिए। ये विकास सिखाओ चलते हुए और बलजीत चियाग एनिमल हस्बेंड्री टीम के कप्तान टॉस जीतते हुए, टॉस जीत के उन्होंने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, अंत में जीत उन्होंने हासिल की और ये जीत के मोमेंट वो आप देख ही सकते हैं कैसे होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। और जीत के बाद मैनेजर वहां दवदेवलाल स्टेडियम है डोगरा जी।